मैंने कहा का माइनर क्या होता है कि आप जब माइनर निकालते हो तो किसी एलिमेंट का निकालते हो तो उस एलिमेंट से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देते हो और जो जो शेष एलिमेंट है उनको साड़ी के रूप में लिख देते हो, वही माइनर हो जाता है। यानी कि मेरी बात ध्यान समझिए कि जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, मेरी बात ध्यान समझिएगा अच्छे से, 1, 2, 4, 3, 5, 9, 7, 8, 2 यही है। अब आपसे कोई कहे किसके हर एलिमेंट का माइनर चाहिए हमको, हर एलिमेंट का माइनर चाहिए, इस जो मैट्रिक्स है उसके वर्गाव्यूह ही रहेगा, आप जानते हो क्योंकि वर्गाव्यूह का ही सारणिक हो सकता है, सभी को पता है 1, 2, 4, 3, 5, 9, 7। आप जानते हो कि अगर वर्गाव्यूह का सारणिक रहेगा तो वर्गाव्यूह की सारणिक को हम किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन आर नंबर, दिस एक्सप्रेशन आर नंबर इज सेड टू बी डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी इसको जो है हम वर्गाव्यूह रहेगा तभी हम इसको कोई संख्या या कोई एक्सप्रेशन का रूप दे सकते हैं। अब इसके हर एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं तो इसके हर एलिमेंट के माइनर को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो जो माइनर होता है किसी, मतलब ध्यान दीजिएगा, माइनर किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटरमिनेंट ए। देखिए इस एलिमेंट, इसको ए वन वन बोलते हैं, इसका माइनर क्या होगा, क्या बोलेंगे, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटरमिनेंट ए, राइट, ऑफ द डिटरमिनेंट ए, यानी कि इसका माइनर, राइट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि जो किसी भी, सीधी सी बात करते किसी, देखिए सारणिक, सारणिक के किसी अवयव का जो माइनर होता है उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने पर जो बचते अवयव उनकी सारणिक के होता है, राइट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है और कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग आई थ्रू एंड जेथ का, यानी किसी अवयव का जो माइनर होता है उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जैसे रो है ये कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब इस अवयव का ये माइनर हुआ, इस अवयव का माइनर हुआ तो इस अवयव का हम क्या कहते हैं, ए वन वन, इसका जो माइनर होगा उसको यम वन वन से व्यक्त करें। अब यम वन वन से आपको ध्यान में रहेगा कि पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना है, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करेंगे 5, 9, 8, 2। अब यम वन टू आते हैं, यम वन टू का मतलब है इसका, इसका माइनर ए वन टू का, तो इसमें कौन डिलीट करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा, देखिए बहुत आराम, इससे गुजरने वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, देखिए 3, 9, 7। अब आते हैं यम वन थ्री, यम वन थ्री पर आते हैं तो ए वन थ्री का है ए माइनर, तो आप पहला रो और तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 3, 5, 7, 8। समझ गए होंगे आप एकदम स्पष्ट कि किसी भी, जैसे ये डिटरमिनेंट है उसके किसी अवयव का जो माइनर होता है उससे गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो शेष अवयव होगा उसको सारणी के रूप में लिख लीजिए। कोई डिटरमिनेंट है उसके किसी भी अवयव का जो माइनर होता है उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को
छोड़ दीजिए, जो शेष अवयव होगा उसको हम सारणी के रूप में लिख देंगे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है बाई डिलीटिंग आईथ रो एंड जेड कॉलम, यानी कि जो जिसका पूछे उसी से गुजरने वाली रो और कॉलम, जैसे इसका पूछे इससे गुजरने वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। ए वन वन का है तो इससे गुजरने वाली पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 5982। यहां आ गए तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, यहां आ गए तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 5 × 10 −9 = 72 −62। जब यहां आएंगे 3 × 2 = 6 −63 राइट, 3 × 6 = 9 = 37 −57। और यहां आएंगे 8 × 3 = 24 −35 रीडिंग 11। एक इसका माइनस समझते हो, दूसरा रो पहला कॉलम, यही आपको बता देता है दूसरा रो और पहले कॉलम, यानी कि 821 का माइनस है तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो आप देखिए दूसरा रो ए है पहला कॉलम ए है, तो आपको मिलेगा 2482, तो 2 × 4 −32 रीड 28। यम 22 करेंगे तो इसका मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, बहुत सिंपल सा है, बात समझ में आ जाएगी। देखिए 1472 तो 2 − 28 −26। और यम 23 है तो दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, ये दूसरा रो है तीसरा कॉलम, 1278 −14 −6। तो जो यहां देखिए जिस अवयव का कहेगा उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देना, जाहिर सी बात है किसी भी अवयव का अगर कोई डिटरमिनेंट है उसके किसी भी अवयव का अगर आपको माइनर निकालना है तो उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। डिटरमिनेंट इसलिए कहे कि डिटरमिनेंट का ही माइनर निकल सकता है, तो और वर्ग आप व्यू है तो उसी का आप डिटरमिनेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो इसीलिए डिटरमिनेंट से ही इसको परिभाषित करना चाहिए। किसी भी सारणिक के किसी अवयव का जो उपसारणिक होता है उस अवयव से गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर जो शेष अवयव बचते हैं उनसे बनी सारणिक होती है। किसी भी अवयव का देखिए सारणिक है, सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक होती है जो उस अवयव से गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करने पर रिमूव करने पर प्राप्त होती है। किसी भी अवयव का देखिए ये देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए, ए अवयव है इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, तो ये जो मिला 5982 ये सारणी के रूप में लिख दीजिए, तो इस अवयव की ये क्या है उपसारणी। तो बहुत स्पष्ट है, जैसे अब आपने इसका निकाली M31 का निकालिए, M31 निकालेंगे तो तीसरा रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 2459 −20। M32 है तो आप किसको मिटाएंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1439 1439 तो हो जाएगा 9 − 12 −3। M33 मिटाएंगे करेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम देखिए 1235 −6 = 1। इस तरीके से आपने इस सारणी के सभी अवयव का जो है उप सारणी निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। ध्यान रखिएगा कि माइनर बहुत आसान होता है, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है, कैसे प्राप्त होता है, जिस अवयव का आपको माइनर निकालना है उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए खंड या सखंड को फैक्टर, जब को फैक्टर का शब्द आता है तो ध्यान दीजिए केवल इतना सा अंतर है इसमें, जैसे आप माइनर निकालना आप जान गए जिसको कैपिटल C11 या A11 से डिनोट करते को फैक्टर को, को फैक्टर है तो सी ध्यान रखिएगा, तो जैसे C11 है तो इसका अर्थ होता है कि जैसे मेरी बात सीरियस समझिएगा, जैसे CIJ को फैक्टर है AIJ का को फैक्टर है, मान लीजिए एलिमेंट है AIJ इसका एलिमेंट है, CIJ इसका को फैक्टर है, तो को फैक्टर जो होता है यानी किसका को फैक्टर, एलिमेंट का, जैसे उसमें बोले थे द माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ,
ऑफ डिटरमिनेंट ए इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहां क्या कहेंगे, कोफैक्टर जो होता है, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटरमिनेंट ए इज डिनोटेड बाई सी आई जे, डिनोटेड बाई सी आई जे एंड सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। सी आई जे जो होता है वो होता है माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब इसमें एक चीज करनी है आपको, सब कुछ वैसे ही रहेगा, अब चिन्ह का भी ध्यान रखना है, माइनस वन की पावर आई प्लस जे यानी कि जैसे सी वन वन रहेगा को फैक्टर रहेगा, पहले ऋण एक की पावर इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक धन एक, सम आए तो प्लस हो जाएगा, विषम आएगा तो माइनस। जैसे यहां रहेगा इसका रहेगा तो इसका चिन्ह देखो ए वन वन देखिए प्लस है, अगर सम आए तो प्लस, इसको ए वन वन बोलते हैं तो वन और वन टू तो माइनस वन की पावर टू प्लस, यहां ए वन टू है तो माइनस दो एक तीन हो जाएगा, यहां प्लस अल्टरनेट चलता है ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब आप उसका चिन्ह वैसे भी पता कर सकते हैं। जैसे इसका नाम इसको किससे व्यक्त करते बोलो, ए थ्री वन तीन एक चार सम है तो प्लस, ए थ्री टू है तो तीन दो पांच तो माइनस, अब ए थ्री थ्री है तो तीन तीन छह प्लस, तो जोड़ने पर अगर जो है सम आए तो प्लस और विषम आए तो माइनस, बहुत आराम समझ सकते हो। जैसे आपका अभी तो ये नियम बता रहे हैं, बाद में तो आपको डायरेक्ट प्लस माइनस लिखना रहेगा। तो जैसे सी वन वन अगर कोई कहे तो ऋण एक की पावर एक धन एक ऐसे लिख दोगे, और उसके बाद माइनर माइनर वही माइनर जो तभी आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, आपने इसका माइनर क्या था, इसको इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या आया था 5982। अब ये ऋण एक की पावर दो है तो प्लस ही होगा, तो पांच दूनी दस माइनस बहत्तर माइनस इक्कीस। अब जैसे अब देखिए सी वन टू ए वन टू का है, ए वन टू का को फैक्टर है तो सी वन टू इसका माइनस होगा जानते ही हो, ऋण एक की पावर एक धन दो, दो एक तीन आया विषम आया, और उसके बाद आप इसके बाद इसका जो है यम वन टू यानी माइनस लिख देंगे, यहां ऋण यम वन टू, तो यहां ऋण यम वन टू का मान पहला रो दूसरा कॉलम छोड़िए, पहला रो दूसरा कॉलम तीन नौ सात दो, तीन नौ सात दो, तीन गुनी छह माइनस तीस माइनस सत्तावन प्लस सत्तावन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, जैसे सी वन थ्री करना है तो ऋण एक की पावर एक धन तीन प्लस हो जाएगा यम वन थ्री, तो ऋण एक की पावर जो है चार हो गया प्लस हो गया तो यम वन थ्री केवल लिखना है आपको, तो यम वन थ्री लिखना है तो पहला रो तीसरा कॉलम यानी तीन पांच सात आठ आर्थिक चौबीस माइनस सात पच्चीस पैंतीस ऋण ग्यारह। इस तरीके से जब हम चिन्ह उसका उचित चिन्ह लगा देते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चिन्ह सहित जब निकालते तो वो हो जाता है कोफैक्टर, और चिन्ह पर ध्यान नहीं देते तो माइनर, तो हमको काम ज्यादा कोफैक्टर का है, माइनर जानते रहिए लेकिन जरूरत हमको कोफैक्टर की। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा इस तरीके से, जो है ए बराबर ए आई जे आप ही आर्डर एन एन क्रॉस एन यानी वर्ग आप व्यू जरूरी है, अगर वर्ग आप व्यू नहीं रहेगा तो कैसे आप निकाल पाओगे न तो माइनर न तो कोफैक्टर। अब देखिए आपको कोफैक्टर मान लीजिए सी वन, जैसे एक आप व्यू दे दिया गया, खूब ध्यान समझिएगा बच्चों, टू थ्री वन वन टू फाइव टू टू वन यही है, इसी के सभी कोफैक्टर हर अवयव का कोफैक्टर निकालना है, यानी कि इस आव्यूह के सभी अवयवों का कोफैक्टर, ये वर्ग आव्यूह रहेगा ये पहले से ही जानते रहो, वर्ग आव्यूह रहेगा क्योंकि वर्ग आव्यूह को ही हम सारणी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां देखिए वर्ग आव्यूह को ही हम जो है डिफाइन, आप पढ़े हो कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स राइट कैन बी एसोसिएटेड, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब यहां देखिए हम डायरेक्ट अब लिखेंगे सी वन वन कैपिटल ए वन वन भी लिख सकते हो आपके ऊपर है, जैसे आप एक एक दो दो अगर सम आए तो प्लस, अब ऐसे डायरेक्ट प्लस लिख दिया करो। अब आप यहां देखो वन वन है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो टू फाइव टू वन जो टू माइनस टू फाइव जो टेन माइनस एट,
कोशिश करिए कि एक ही में जो एक प्रकार देखिए एक ही आपको रो में, जैसे इसके सभी अवयवों का इस पहले रो में निकाल लीजिए, दूसरे का दूसरे रो में निकाल लीजिए, तीसरे रो का तीसरे निकाल लीजिए। ये थोड़ा आदत बनाइए ऐसे, मतलब C11, C12, C13 एक ही रो में करेंगे, कोशिश करिए। जैसे अब C12 है तो 2, 1, 3 है तो माइनस, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, देखिए पहला रो है और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, देखिए पहला रो चिन्ह तो समझ गए, 2, 1, 3 है विषम है तो माइनस, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1, 5, 2, 1 आएगा 1 - 5, 2 = 10, 1 - 10 - 9 तो +9 हो गया। ठीक, अब C13 जोड़ने 3, 1, 4 है तो प्लस, -1 की पावर आई प्लस जे होता था 3, 1, 4 प्लस हो गया। अब देखिए पहले अब यही दिख रहा, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1, 2, 2, 2, 2 - 4 - 2 राइट। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीरियस, मतलब कोफैक्टर आप हर एलिमेंट का निकाल लेंगे। अब C21 2, 1, 3 है तो माइनस, तो 2, 1, 3 है तो माइनस, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 3, 1, 2, 1 तो हो जाएगा 3 - 2 - 1 C22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, 1, 2, 1 तो 2 - 2 = 0 C23 माइनस, तो छोड़ेंगे क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम 2, 3, 2, 2 तो क्या आएगा 4 - 6 - 3 = 2 है। अब C31 तीसरा 3, 1, 4 प्लस, यहीं से पता चलेगा क्या डिलीट करना, तीसरा रो पहला कॉलम देखिए 3, 1, 2, 5 15 - 2 = 30 अब C32 है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2, 1, 1, 5 5 - 10 - 1 - 9 C33 है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा 2, 3, 1, 2 4 - 3 - 1 ये जो है सभी अवयवों का हमने कोफैक्टर निकाल लिया। ध्यान थोड़ा इसमें जरूर है कैलकुलेशन में, क्योंकि इस पर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत थ्योरेटिकल नहीं आता, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, चिन्ह का ध्यान रखना है बहुत जरूरी होता है, कोफैक्टर तो बहुत जरूरी है ध्यान से। अवयव का कोफैक्टर निकालिए, कैपिटल A11 से भी व्यक्त करती है या C11 तुम्हारे ऊपर है, A11 भी लिखिए, C11 भी, आदत बनी रहे जिससे कंफ्यूज ना हो। A11 है 1, 1, 2 तो प्लस, अब देखिए डिलीट क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम, देखो पहला रो पहला कॉलम तो क्या मिलेगा 2, 5, 2, 3 पहले एक बार लिख लीजिए फिर इसको सॉल्व करिए, A12 - 1 की पावर 1 + 2 = 3 हो जाएगा रीड। अब इसको डिलीट क्या करना है आपको, पहला रो और दूसरा कॉलम 3, 5, 2, 3 A13 है तो प्लस होगा, 3, 1, 4 है तो प्लस, तो पहला रो तीसरा कॉलम 3, 2, 2, 2 बहुत आराम है। जैसे A11 है तो पहला रो पहला कॉलम, A12 है तो पहला रो दूसरा कॉलम, A13 है तो पहला रो तीसरा कॉलम। चिन्ह ध्यान ही दो, जोड़ने पर विषम आवे तो माइनस, सम आवे तो प्लस। अब यहां देखिए 3 - 6 - 5 - 10 = 4 यहां देखिए 3 * 9 - 10 - 9 = 1 3 - 6 - 4 2 अब देखिए 8, 2, 1 - 2, 1, 3 - अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम 2, 4, 2, 3 तो 3 - 6 - 8 2 आ जाएगा। 8, 2, 2 प्लस होगा, 2, 2, 4 प्लस होगा तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 3 - 8 = 5 अब 8, 2, 3 तो दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, 2, 2, 2 तो 2 - 4 = 5 यहां माइनस होगा तो +2 हो जाएगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना इसमें।
और A31 प्लस होगा तीसरा रो पहला कॉलम, देखो तीसरा रो पहला कॉलम 2 4 2 5 5 2 10 माइनस 8 2 A32 माइनस होगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 4 3 5 5 माइनस 12 माइनस 7 प्लस 7 हो गया और ये 33 A33 तीसरा रो तीसरा 1 2 3 2 तो 2 माइनस 3 में 6 8 4 इसका चिन्ह प्लस होगा। ये ध्यान रखना इसको सारणिक के ही रूप में लिखना, ध्यान देना नहीं बहुत बड़ी गलती है। बहुत लोग क्या करते हैं यहां जो है अभी वाला सिंबल लगाने लगते हैं, बहुत बड़ी गलती है, तब आप प्रसार ही नहीं कर पाओगे। समांतर रेखाएं ही लिखोगे इन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए से A11 है तो समझिए पहला रो अगर माइनर निकालना है, माइनर निकालना है तो चिन्ह पे ध्यान नहीं रखना। तो देखिए ये चीज छोड़ देनी क्यों, 1 3 3 2 तो 2 माइनस 3 3 9। अब अगर यही होगा को फैक्टर आप A11 इन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है ध्यान रखना, इन डिटरमिनेंट है को फैक्टर आप A1 है, तब अब इसमें चिन्ह रीड 1 की पावर 1 प्लस 1 बाकी यही रहेगा, रीड 1 की पावर 2 प्लस तो 1 3 3 2 इसको A11 से रखते हैं, इसको M11 तो 2 माइनस माइनर रहेगा तो आप चिन्ह नहीं लगाएंगे, को फैक्टर रहेगा तो रीड 1 की पावर i प्लस g हो जाएगा।